जय श्री केदार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज मैं फिर से जा रहा हूँ केदारनाथ। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको केदारनाथ से लेटेस्ट जो अपडेट है वो आपको बताएंगे। कैसा मौसम है, कैसी आजकल यात्रा चल रही है केदारनाथ में, रास्ते कैसे हैं, कैसे आपको घोड़े खच्चर अवेलेबल हो जाएंगे, पालकी चाहे आप टूर लेना चाहते हो तो वो कितने रेट में अवेलेबल होने। जो लोग 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक अक्टूबर में आने के जो प्लान बना रहे हैं, ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है। तो वीडियो को आगे तक जरूर देखना। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। दोस्तों करीब 6 दिन हो गए हैं, 28 सितंबर से कंटिन्यू यात्रा, भर भर के यहाँ पे लोग आ रहे हैं। यहाँ तक कि लोगों को लाइन में 4 से 5 घंटे भी लगना पड़ रहा है दर्शन के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं इस टाइम खच्चरों का रेट कितना चल रहा है गौरीकुंड से केदारनाथ का। दोस्तों अगर आप आते हैं गौरीकुंड में, वहां से अगर प्रीपेड काउंटर से अगर आप खच्चर बुक करते हो तो उसका प्राइस चल रहा है 2950 रुपए का, यानी कि 2950 रुपए का। लेकिन अगर आप वहां पे ना लेके रास्ते में से घोड़ा खच्चर लेने का आप सोचते हो तो आपको महंगा पड़ने वाला। तो दोस्तों फिलहाल मैं पहुंचा हूँ बड़ी लिंचोली में। यहाँ पे देखिए हेलीपैड है और मेरे सामने आप देख रहे होंगे एक भाई इस खच्चर को बगा रहे हैं। तो इसकी तबीयत खराब हो रखी है, इसको गैस की प्रॉब्लम हो गई है, जिसके कारण इसको ठीक करने के लिए उसको रनिंग करवा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे एक थोड़ा सा पल्ला हो गया है, लाइव आपको दिखाता हूँ किस तरीके से यहाँ पे। भाई साहब इसे रखेंगे, आप देख सकते हो दोस्तों इन्होंने यहाँ पे लोकल में और यात्री में पत्थरों से यहाँ पे बर्ताव हो रहा है। आप देख सकते हो लोकल और यात्री में भर भर के कौन मारी भाई जी, कौन मारी पकड़ा पकड़ा। तो दोस्तों ले ले तो ले ले। दोस्तों देख सकते हो आप यहाँ पे लोकल और यात्री के बीच लड़ाई होती है। अभी हमने आपको लाइव एक अपडेट दिखाया है, फिलहाल मैं हूँ बड़ी लिंचोली में हेलीपैड में। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि यात्री लोग यहाँ पे चढ़ते हैं और साथ में घोड़े वालों के साथ लड़ाई करते हैं, केवल जो युवा वर्ग के लोग हैं वही आपस में लड़ते हैं। जो भी बुजुर्ग श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं वो किसी के साथ ना तो लड़ाई करते हैं ना किसी के साथ बदतमीजी से बात करते हैं। एक यात्री ने अभी एक लोकल खच्चर वाले का पूरा सर बुरी तरीके से फोड़ दिया, उसके सर में बहुत ज्यादा खून आ रहा था। हमको तो डर भी लग गया, हम ज्यादा क्लोज भी नहीं गए, दूर से आपको वीडियो दिखाया। अभी केस कानून होगा उसको, पता नहीं क्या करेंगे। अभी सब लोग जितने भी लोकल वाले हैं उसको पकड़ के थाने में लेके गए हैं। अब पुलिस वाले जो भी उसके साथ करेंगे वो शायद हमको आगे भी अपडेट मिल जाएगी। तो दोस्तों आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ से निवेदन है, अगर जो भी युवा आ रहे हैं हमारे साथ के, जैसे कि 20 से 30 साल के बीच जो भी युवा लोग आ रहे हैं, भैया हम लोगों को समझने की कोशिश करें। हम भी इंसान है, आप भी इंसान है, थोड़ा आप तमीज से बात करेंगे, थोड़ा हम तमीज से बात करेंगे, दोनों में परिस्थितियां सुधर जाएगी। अदरवाइज जिस तरीके से यहाँ पे आपने देखा कि अभी किस तरीके से उसका सर फोड़ा है, तो अभी कुछ दिन पहले शायद 2 से 3 महीने पहले एक वीडियो और वायरल हुआ था यहाँ का, उस वीडियो में भी यात्री का सर फोड़ा गया था लोकल वाले के जरिए। लेकिन गलती हमेशा एक पक्ष की नहीं होती है, जब तक दोनों पक्षों की गलती ना हो तब तक लड़ाई नहीं होती है। बोलते ना दोस्तों ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथों से बजती है। उसी तरीके से यहाँ पे किसी एक की गलती नहीं रहेगी, दोनों की गलती थी। बट इसमें गलती में आपने देखा होगा कि दोनों ने एक दूसरे का सर फोड़ दिया है, एक भाई पे तो खून आ गया बट दूसरे पे जो यात्री था उस पर कुछ नहीं। अभी सारे लोकल वालों ने उसको पकड़ के थाने में ले गए, तो ऐसा आपके साथ ना हो इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। आप लोगों से निवेदन है शांतिपूर्वक आप दर्शन कीजिए केदार बाबा में। एक तो इतनी डिफिकल्ट यहाँ पे यात्रा है, 16 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता है, उस ट्रैक के दौरान आप कुछ भी ऐसे मतलब मत करिए, क्योंकि आपको जितना भी बॉडी शॉडी दिखानी है वो सब आप बाहर दिखाइए। दोस्तों गौरीकुंड में आप जो ये मेरे हाथ में बांस देख रहे होंगे ना, ये अक्सर यात्रियों को सहारे के लिए दिया जाता है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, जो भी युवा वर्ग है, पहली बात तो युवा वर्ग को इसके सहारे की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से जो
जिम में अपने 4 से 5 घंटे बिता रहा है उसको किसी डंडे की सहारे की जरूरत नहीं है। आइए एक भाई साहब है, लोकल वाले इनसे पूछते हैं। भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्षवर्धन सिंह है। ठीक है भाई साहब, क्या सीन हो रहा कि जो बाहर के लोग हैं, जो मतलब युवा वर्ग है, वो गरम गरम खून में आ रहे हैं और यहाँ पे आके खचर वाले और लोकल वालों के साथ लड़ रहे हैं? वो एक्चुअली में ऐसा है साहब कि खाने पीने से लेकर या किसी चीज के लेकर यात्री जो है बड़ी उत्तेजना में है और वो सोच नहीं रहा है कि 10 की चीज वो सोच रहा है कि 15 में मिल रहा है, तो ट्रांसपोर्ट का वो नहीं देख रहा है। तो इस चीज पे जो है उनका दोनों का विवाद हो गया जी। तो विवाद हल्का था मगर उसने जो है इस वो लड़का खच्चर वाला था या दुकान वाला था? दुकान वाला है और उसने जो है 5-10 रुपए के चक्कर में उसकी डंडा मार दिया उसकी खोपड़ी में। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने जो केदारनाथ का अपडेट दिया था, हमने आपको ये चीज बताई थी कि आखिर केदारनाथ में महंगाई क्यों है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा एक बार चेकआउट कीजिए, लास्ट वीडियो है। तो उसी वीडियो में हमारी बात चली रही थी कि हम केदारनाथ आते हैं, हमको बड़ी लिंचोली में जो हेलीपैड है वहां पे आके सीन देखने को मिलता है कि एक दुकानदार के साथ, मैं तो अभी खच्चर वाला बोल रहा था क्योंकि मुझे पता नहीं था, अभी ये भाई साहब लोकल वाले हैं यहीं के, इन्होंने मेरे को बताया कि वो बंदा एक दुकानदार था, 10-5 रुपए के प्रति उस बंदे ने सीधा डंडा मार दिया। देखिए भाई साहब, हम पहले भी आपको बताया है यहाँ पे जो सामान आता है वो पर्सनली किसी ट्रक और गाड़ी से नहीं आता है। गाड़ी पहले सोनप्रयाग आती है, उसके बाद गौरीकुंड आती है, गौरीकुंड से फिर वो ट्रांसपोर्ट में होता है, किसमें, घोड़ा खच्चर या फिर नेपाली दाई जो कि पालकिया पिट्ठू में सामान को लेके यहाँ पे आता है। हर एक सामान पे 40 से 50 किलो 60 किलो पे जो रेट पड़ता है यहाँ बड़ी लिंचोली का लगभग 2200 से 2500 रुपए रेट पड़ता है। तो वो सब उसको लगा के तभी तो बेच रहा है। हमको कोई शौक नहीं है आपको लूटने का, ये भाई साहब की दुकान, आपकी भी दुकान है ना, आपको कोई शौक है भाई साहब यात्री को लूटने का? खुद लगता है कि यार 5 की चीज हम 10 में कैसे बेचें, मगर ट्रांसपोर्ट ऐसा है कि आप खुद ही सोच सकते हैं कि वो चीज हमें 8 रुपया और कुछ पैसे की बने तो 2 रुपया हमको। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कोई बड़ा ज्यादा मार्जिन नहीं है, आप लोग बस सोचते हैं कि केदारनाथ में हर चीज का डबल प्राइस है। अरे भाई साहब उसके पीछे की कहानी तो समझो, उसके पीछे का जो पूरा सिस्टम है उसको तो समझो, क्यों महंगा है? अरे कोई शौक में आपसे ज्यादा पैसे नहीं ले रहा यार, आपसे कमा के क्या होगा, अंबानी बन जाएगा। अगर ऐसा होता तो हर केदारनाथ की यात्रा सदियों से चल रही है, आज हर कोई लोकल वाला, खुद मैं भी अंबानी होता भाई, मेरे पास भी लाखों करोड़ों रुपए होता, मुझे यहाँ पे नहीं आना पड़ता। ये जो भाई साहब है इनको भी एक छोटा दुकान लगाने का जरूरत नहीं पड़ता। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा ना खींचते हुए यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक शेयर और पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जाना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट किसी टॉपिक में, तब तक के लिए जय श्री केदार।